आगे ऊपर कोई नहीं पहुंचे हैं। बड़ा मेहरबानी जवाब से मस्जिद के अंदर आ रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जामे मस्जिद दारुश शफा में शहीद उजैर खादर का जनाजा यहाँ पर लाया गया और ये वो शहीद है जिनको न्यूजीलैंड में गोली मारकर इनको जो ना शहीद कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना की हुकूमत इस तरफ तवज्जो देकर जनाजे को हैदराबाद मुंतकिल किए और आज नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये हैदराबाद के लिए आज का दिन बड़ा ही दुख भरा दिन है, सिया दिन कहा जा सकता है इसको, कि आज हमारे शहर का एक नौजवान जो वहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था बेगुनाह को शहीद कर दिया गया है। आज हम इस जनाजे में शरीक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर शरीक रहे हैं। हम तमाम अहले ख़ानदान से दिली ताज़ियत करते हैं और उनके गम में आल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल बराबर की शरीक है और हर हैदराबादी उनके गम में जो ना बराबर के शरीक है। खुदा अस्सलामु अलैकुम। ये आजिज मोहम्मद अकील अहमद अंसारी, सेक्रेटरी आल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से मंगल के दिन शहीद नूरखा बाज़ार के जो नौजवान हैं उनके लिए एहसाल सवाब की मजलिस का इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह किया गया था और आज क़ानूनी कार्रवाइयों से गुज़रते हुए हुकूमत के ताउन से और मुतल्लिका एमएलए और मिनिस्टर के ताउन से शहीद नौजवान का जनाजा हैदराबाद लाया गया और आज जामे मस्जिद दारुश शफा में बाद नमाज ज़ुहर के सैकड़ों सौगरान की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जनाजा पढ़ा गया। उम्मीद है कि नमाज जनाजा जो पढ़े हैं उनको भी इसका बेहद सवाब मिलेगा। आल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल नौजवान के ख़ानदान के गम में बराबर का शरीक है। अल्लाह नौजवान को जज़ाए खैर उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और हम ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इस नौजवान के घरानों को भरपूर इमदाद दें। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देख के भाई देख के स्लिप हो रहा है क्या? स्लिप हो रहा है क्या? स्लिप हो रहा है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, पहले सब बाहर आ जाओ भाई, बाहर के लिए रास्ता छोड़ दो। करीब भाई करीब।
भाई जरा पीछे हो पीछे क्या दे भाई जरा रास्ता बनाइए भाई जरा रास्ता दीजिए जरा रास्ता दीजिए आप चलिए भाई आगे बढ़ता है आगे बढ़ते जाओ भाई आगे बढ़ते जाओ Oh!